अजान तो उसमें है ना हमारा जी काजान नहीं काजान काजान तो ताजिकिस्तान का दरख्वास्त है ना। हाँ तो आप काजान से है ना बेगम शादी बेगम वहाँ की वही की बात हुई है ना काजान में शादी हुई है ना जी जी और टोपी अब काजान की पहनी हुई है। हाँ जी अब इसलिए बार बार जो काजान की बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ तातारी कौम का मुल्क है और उसका नाम काजान का पूरा नाम क्या है उस मुल्क का तातारिस्तान जो स्टेट है तातारिस्तान जी जी तातारिस्तान रशिया के अंदर है ये जिसको हम लोग रशिया कहते हैं जी वो दरअसल सिर्फ एक स्टेट का नाम है और असल इस तरह है USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तमाम इस्लामी ममालिक सवाए तातारिस्तान के USSR से बाहर हैं जी समझे वो अलग अलग स्टेट्स हैं वो उनकी यूनियन USSR यूनियन का तो हिस्सा है लेकिन रूस नहीं है वो रूस सबसे बड़ी स्टेट है और सवाए इस जूनी रियासत के जो इसके अंदर शामिल है बाकी अक्सर दहरिया और ईसाई हैं या ईसाई भी वो हैं जो ऑर्थोडॉक्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ठीक है जी 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 कैथोलिक्स भी अब काफी रशियन ऑर्थोडॉक्स जी रशियन ऑर्थोडॉक्स वो रशियन ऑर्थोडॉक्स अलग अलग है। हाँ जी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स से अलग है अलग है। अच्छा मगर इनको आया तो ग्रीक से ही था। हाँ जी ग्रीस से ही जी जी मजहब मिला था इसलिए ऑर्थोडॉक्सी ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी शुरू हुई थी बाद में इनकी रशियन बदल गई होगी तो रशियन ऑर्थोडॉक्सी अलग हो गई होगी। ये रूसी जर्नल था जिसने फतह किया उसने मजहब की तलाश शुरू की और अपने नुमाइंदे भेजे कि तुर्की भी जाओ वहां के हालात भी बयान मालूम करो और ग्रीस भी जाओ और बाजुओं पे जाके देखो क्या मजहब पाया जाता है। तो उनको मजहब तो तुर्कियों का पसंद आया लेकिन उन्होंने जो एक बात बयान की उन्होंने कहा है तो ठीक मगर एक मुसीबत है शराब की इजाजत नहीं और वो जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी है उसमें जितनी मर्जी पियो। उसने कहा फिर जान शराब नहीं मैं वही मेरी कौम शराब ने इनको ईसाई बनाया है और उसके साथ शराब के नशे की हर बुराई भी उसी तरह इस पहलू से विरसे में आ गई। खुदा की खातिर नहीं हुए थे शराब की खातिर हुए थे तो खुदा से जो पहली बगावत की है किसी कौम ने वो यही लोग हैं समझ गए। अब बताएं आपका सवाल भी है कोई